तुम किसी को तुम्हारी सुख दुख का कारण समझते हो तुम फिर बंधन में पड़ने लगते हो कर्म बनाने लगते हो कर्म बनता है इसे इसीलिए कहते हैं तस्मय नम परम कारण कारणाया। शिवजी शिव जी को क्या बोलते हैं अरे भाई तुम सभी कारण के कारण हो तुम ना हो तो कुछ होता ही नहीं है तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है ये यदि भाव आ जाता है तो कर्म से छुटकारा हम खाली हो जाते हैं अपने भीतर खाली होते ही दिव्यता से भर जाते हैं शिव तत्व में हम रम जाते हैं फिर हमारे मन में ना कोई राग किसी के प्रति कोई द्वेष का कोई गुंजाइश ही नहीं है अरे परमात्मा ने यह कराया जो कुछ भी मेरे साथ होना हो ये परमात्मा के द्वारा हुआ ये समझ लोगे तो एकदम कर्म से मुक्ति भय से मुक्ति दुख से मुक्ति इन सब से मुक्ति पाओगे तो जीवन मुक्ति फिर सहज ही होने लगता है हो जाता है है ना तो इतना समझो कर्म के गति के कारण तुम चाहते हुए किसी को अच्छा करना नहीं हो पाएगा यदि उनका कर्म ठीक नहीं हो तो ऐसे ही दूसरे चाहते हुए भी तुमको नहीं होगा तुम्हारा कर्म का पर्दा यदि इतना घाड़ा है तो हम्म तो कर्म बांधो मत जो हो गया उसको अनुभव कर रहे हैं कुछ करके निकलना पड़ेगा कुछ वैसे ही निकलनी पड़ेगी